उंगली में हाथ में पांच हो गया, हाथ में पांच खुरपी पकड़ी हुई लग रहा है। नहीं नहीं सही है सही है एकदम, ऐसे करेगा तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ सही है एकदम, बहुत बढ़िया। तुम क्या झूठ नहीं तुम्हारी अगली टीम में हो, नंबर मिलेंगे अभी। तो चाह रही बिगड़े। नहीं नहीं आपने जो बनाई है ना मम्मी टोपी, ये कोई नहीं बना सकता क्योंकि टोपी है ही नहीं। टोपी है ना ये टोपी, अरे कहाँ है टोपी यार। हेलो अस्सलाम वालेकुम छोटू भाई बड़ों को बिस्मिल्लाह बहन भाई वेलकम दोस्तों करते हैं खुश आमदीद। यस मैं हूं शुएब हाशिम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस रिश्ता वही बट चैनल नया है तो आप लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स अभी कम हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बढ़ जाएंगे आप सबके प्यार से। सो अभी आज मुझे बड़ी खुशी हुई है। यस भले मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम हैं बट स्टिल मैम तक मेरी वीडियो पहुंची है। मैम ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया जो मेरे इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी कि इट्स ओके भाई, इस तरह से कुछ था कोई बात नहीं, बिकॉज वो मैम को ने देखा होगा मेरा मेरी फीलिंग्स कि मैं कितना सैड था उसमें ये बताते हुए कि मेरा जो चैनल है व्यूज़ वो टर्मिनेट हो चुका है, तो ये मेरा न्यू चैनल है, तो उस चीज़ पर मुझे बड़ी खुशी हुई सीरियसली। तो आज मैं लाया हूँ ड्राइंग चैलेंज, बिकॉज ड्राइंग चैलेंज आप सबको बहुत पसंद है, तो चलिए देखते हैं इस चैलेंज में क्या करते हैं और किस तरह से ये ड्राइंग चैलेंज होता है। लेट्स गो एंड एंजॉय द वीडियो। और उसके अलावा कोई भी लाइक किसी के भी व्लॉग्स देखने हैं आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पर सिर्फ मैं व्लॉग्स रखूँ और कुछ भी ना पोस्ट करूँ। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ और रैंडम पोस्ट वोस्ट करते रहूँ तो ठीक है, बट किसी के भी व्लॉग्स आप बता सकते हैं मुझे, मैं ज़रूर देखूँगा। तो चलिए एंजॉय द वीडियो। गैप सभी के होता है, खड़ा होके तो चैनल। अभी मैं इतनी आसानी से बैठ के आराम से व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा डिमांड आई थी, बहुत ज्यादा, तो वो करना पड़ रहा है और हम भी बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे लेकिन उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आज टाइम निकाल लिया है और ये व्लॉग जो होने वाला है ये होने वाला है ड्रॉइंग चैलेंज पार्ट 3, 4, 5। क्या पता ही नहीं, पार्ट 3 हो गया ना तो पार्ट 3। और ये रहे ड्रॉइंग चैलेंज करने वाले सदस्य। पहला खिलाड़ी बिल्कुल ही मूर्छा में पड़ा हुआ। नहीं नहीं मैं एकदम तैयार हूँ। दूसरा खिलाड़ी हेलो, और ये रहा तीसरा खिलाड़ी। मैं भी तैयार हूँ टक्कर देने के लिए सबको। ये मत भूलिए कि आपका पिछला ड्राइंग लोग देख चुके हैं। तीन को टक्कर दूंगी आज। अच्छा लेकिन पहले बता देता अगर कि क्या तू बनवाएगा तो थोड़ी तैयारी कर लेती दिमाग से, इसलिए आपको पहले नहीं बताया। आज के ड्राइंग चैलेंज की खास बात यह है कि आज आपका सहयोग देने के लिए कोई जोड़ीदार नहीं होगा। नहीं 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 भाई, मेरी और पापा तो बिल्कुल ही वो है ना, मम्मी के साथ बना दो जोड़ी। मम्मी के साथ बना दो जोड़ी। आज जोड़ी नहीं, आज अकेले अकेले खेलना। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं जोड़ी में खेलती हूँ, मैं अकेले नहीं। शेर मतलब शेर को साथी चाहिए। तुम एक काम करो ना, जो भी है वो टीम वर्क में दो ना। तो ठीक है, तो टीम वर्क में ये होगा कि दो टीम बनेगी, ठीक है, और बाकी के दो लोग सामने बैठेंगे, उनका मुंह का स्केच बनाना है और आपको चूज करना है, आपको डिसाइड करना है कौन किसका बनाएगा। जैसे मान लो पापा और सुहाना अगर एक टीम में है। नहीं मैं मम्मी की टीम में हूँ। चलो तुम और मम्मी एक टीम में है और पापा और मैं एक टीम में, तो हम आपके सामने बैठेंगे, आपको हमें देख के हमारा स्केच बनाना है, डिसाइड आपको करना है आप मेरा बनाओगी या पापा का, और उसके अकॉर्डिंग मम्मी दूसरे का बनाएगी। ये तो आसान है, देख देख के बना सकते हैं आराम से, तो अभी पता चल जाएगा। ठीक है मम्मी, ठीक है मैं और मम्मी एक टीम में, तुम और पापा एक टीम में। चलो ठीक है, डिसाइड ये हुआ है कि मम्मी अविनाश का स्केच बनाएंगी और मैं पापा का, तो चलो मम्मी आप पहले करो। पापा और मैं यहाँ सामने बैठ गए अपनी स्केचेस बनवाने के लिए और अब देखते हैं ये सास और बहू क्या गुल खिलाती हैं। देखो मम्मी, मम्मी ने तो काफी तगड़ा वो किया है। सामने बनाओ की साइड से, जैसे टेढ़ा बनाऊंगी जैसा बनाना बनाओ। मैं टेढ़ा बैठा हूँ क्या? दे रहे हैं, मैं तो टोपी पहनी है। पर टोपी बनाऊंगी ना, उस पर सिर पे दो चार ही बाल दिख रहे हैं मेरे को। सही बना दिया मम्मी। अरे अरे ये तो सीख के आई लग रहा है भाई, इन्होंने
बार एक साल पूरी प्रैक्टिस की है मम्मी ने भाई। इस साल दिल्ली में पूरी प्रैक्टिस हुई है। ये क्या बना रही हो? टोपी का है। अरे मम्मी क्या ये क्या बना रही हो? सही है मम्मी, एकदम चेहरे का 50% तो आंख में ही ले लिया। नहीं कोई बात नहीं, आगे चल जाएगा। ये कैसी आंख बनाई हो? ये तो उल्लू की आंख है। बाल बताओ, आप तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। बना देखने की जरूरत नहीं है ना। बेटा है भाई, माँ की नजर में तो हर बेटा सुंदर ही होता है, लेकिन ये क्या बना है मम्मी? माँ की नजर में सुंदर होता है ना, असलियत में तो यही है। कान है, ये कान है बेटा का। मम्मी बेटे का कान टूट के लटक रहा है क्या? मम्मी थोड़ा कस के बनाओ, थोड़ा गहराई में बनाओ। मैं देखना, अच्छा तो बना रही है। अरे एकदम बढ़िया। मम्मी आपका बेटा ऐसा दिखता है। ये अच्छा तो दिया है। टोपी भी पहना है मम्मी? टोपी बना दी। बना दी कहाँ है टोपी? ये रही ना, ये मम्मी कहाँ है? ये है तो है ना, ये मम्मी कौन सी टोपी है जो बन भी चुकी है? अच्छा तुम लोग किसी और का चेहरा बनाना, देखना कितना अच्छा कितना बनाओगे। हाँ, मैं तो फिर भी ठीक। माँ है, माँ तो बेटे को पहचानती है अच्छी तरह से। कंधे के ऊपर ना डोला निकाल दो। हाँ कंधे पे डोला नहीं होता, कंधे पे डोला तो फिर कुबड़ हो गया। हाथ कहीं डर लग रहा है, हाथ कहीं खसी वाला। नहीं नहीं सही सही जा रही हूँ मम्मी, एकदम सही जा रही हूँ। ये एक हाथ को नीचे सपोर्ट क्यों दे रखा है दूसरे हाथ से? बारी है ना, बड़े आर्टिस्ट होते ना, इनके खराब हिल ना जाए कुछ। बेटे का डोला भी है। ये लग रहा है हाथ अलग से खरीदा है, गोदरेज से पर लगवाया है। मम्मी अंगुली कहाँ गई? प्रणाम गिरी। अंगुली माल है ना, अंगुली कट चुकी है तो हथेली बनाई। हाँ सही बना रही है एकदम। अरे अपना ही बेटा बना रही हो ना। हाँ मम्मी ने बहुत कमाल का। क्योंकि भाई मैं बनाई वाला नहीं हूँ ना। मम्मी ने अपना बेटा बनाया है जिस माँ ने पैदा किया। भाई मैं ड्राइंग में उतारा है, ड्राइंग सीखी नहीं हूँ। बेटा तो सुंदर है, हो सकता है फोटो कहीं खराब हो गई हो थोड़ा। हो सकता है, मुंह देख के बनाई हुई तो बनाई हुई चेहरा है इसका। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बनेगी उंगली, ये रहा अंगूठा। हाँ अंगूठा निकालो पहले, अंगूठा मोटा। इसकी उंगली भी बहुत लंबी है मम्मी। नहीं छोटी है, छोटी है, थोड़ी केवनी बनानी पड़ेगी ना। कोहनी, हाँ कोहनी भी तो मार कोहनी मार कोहनी बना रही है ना मम्मी। मारती हूँ ना। उंगली तो लग रहा है, उंगली में हाथ में पांच खुरपी पकड़ी हुई लग रहा है। नहीं नहीं सही है, सही है एकदम। ऐसे करेगा तो ऐसे ही आएगा ना। हाँ सही है एकदम, बहुत बढ़िया। तुम क्या झूठ बोल रहे हो? तुम्हारी अपनी टीम में हूँ, नंबर मिलेंगे अभी। तो चाह रही बिगड़े। नहीं नहीं आपने जो बनाई है ना मम्मी टोपी, ये कोई नहीं बना सकता क्योंकि टोपी है ही नहीं। टोपी है ना, ये नहीं टोपी। अरे कहाँ है टोपी यार, क्यों झूठ बोल रहे हैं दूसरे से? अरे ये तो घघरिया पहना दिया। अरे मम्मी ऐसा कब हो गया घघरिया? नीचे से थोड़ा सा चौड़ा तो। ये तो आपकी बहू है। पेट है पतला, नहीं पेट है पतला यहाँ। अच्छा कमर, अच्छा कमर है पतली, नीचे से थोड़ा सा। हाँ ये बनाया सब। पाँव कैसे करूंगी यहाँ से पतला? यही से निकाल दो ना पाँव, तो ये पतला हो जाएगा। टांग पतली ही है इसकी ना। नहीं नहीं बता दो, खुद मुर्गी बनाएगा। अरे गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पैर गड़बड़ होगा तो खराब लगेगा। इधर इतना सी सी करियो। हाँ सही बना दिए एकदम, एकदम बढ़िया एकदम बना दिए। ये ठेहुना, ठेहुना 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 क्या होता है? घुटना घुटना, हमारे भोजपुरी भाई घुटना घुटना मारते। मम्मी दो पैर दो दिशा में क्यों है? एक ही दिशा में करो, एक ही दिशा में करो। पैर इसको इधर को चलने दो। मम्मी पैर अंदर की तरफ कर दिए, ये लग रहा है बचपन में पोलियो का टीका नहीं दिया था क्या? नहीं नहीं सामने करना चाहिए ना पैर। कर दिया सामने, अच्छा है। अच्छा टेढ़ा तुम्हारी टीम में है। पैर इधर के वाला कर दो। इधर नहीं, इधर को कर दो। नहीं उसी
उसी उसी दिशा में करो बैर का नो नो पापा भी सहयोग कर रहे हैं मतलब इतना उल्टा तो नहीं बता सकते अरे कितना भी सहयोग कर दे बनाने वाले को भी तो आना चाहिए कुछ ये क्या कर दिया देखती हूँ सही बनाया है बेटा तो एकदम सही बनाया देखती हूँ सबसे टेस्ट तो बेटे का ना क्या है ये घुटना थोड़ा ट्विस्ट हो गया हाँ देखा एकदम सही है यहाँ पे भी निकाल दो मम्मी उंगली ये क्या मैं शोले का ठाकुर हूँ क्या कील वाले जूते पहने पैर ना सीधा भी बना सकते थे ऐसे यार लेकिन इस पे नंबर इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मिलेंगे कि इसका चेहरा मुझसे कितना मिलता है मिल तो रहा है सही बनाए मम्मी पैंट तो पहना दो और क्या बना पैंट पहनाऊ कमर तो बना दो कमर वगैरह कुछ तो बनाओ ना मम्मी बीच में से कुछ यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऐसे कर दो तो फ्रॉक जैसे हो जाएगा नहीं फ्रॉक नहीं यहाँ से शर्ट हो जाएगा ना इसको ऐसे कर दो अच्छा ये हो गया शर्ट अब इसके ऊपर ही पैंट पहना दो ऐसे ये हाफ पैंट पहनता है ना हाफ पैंट पहना दो ऐसे करके हाँ बस हो गया हो गया हो गया और मेरी दोनों टांगों के बीच में इतना गैप क्यों है गैप होता है ना गैप सभी के होता है खड़ा हो गए तो थोड़ा गैप जरूरी कर दू लसन अरे क्या ये यहाँ पे निक्कर पूरी नहीं है ना बाहर से निक्कर आधी होती है उसको पूरा क्यों कर रहे हो नहीं हो गया बस बन गया टोपी थोड़ी और आगे निकाल दो अरे टोपी की तरफ एक बार देख भी लो जो असली टोपी है उसके बाद बनाओ लेकिन वो असली है ना नकली को तो ऐसे ही बनना ये क्या लॉजिक अरे भाई सामने ऐसे आ रही है ना तो सामने कैसे निकाले बाहर को टोपी अरे मेरी तीन एक तरफ तीन आंख है और एक तरफ दो नहीं इसको बना रही हूँ वहाँ बना रही हूँ डर लग रहा है हिल जाएगा देखो मम्मी का तो हो गया ये बना दिया अविनाश कुर्सी पे बैठ जाओ बैठने दो चलो अब मैं पापा को देख देख के पापा का बनाना पड़ेगा मेरे ख्याल से पहले मैं पापा का चेहरा बना दी पहले ही चेहरा नाक भी लंबी है अरे तो नाक इतनी लंबी नहीं रही पापा उनका केला लग रहा है मेरा बल्ब लग रहा है तेरी नाक लग रहा है बल्ब लटकाई ये जो कलाकार है काफी गहन अध्ययन करते हुए अपने सब्जेक्ट का और अरे वाह अच्छा लग रहा है तो बहुत बढ़िया हाँ पापा की आंख अच्छी बनाई है मैंने पापा के ना होंठ पतले हैं बहुत सही हो रहा है बेटा इधर निकाल दीजिए मूछे मूछे में है ना पापा की इसकी भी दाढ़ी मूछे नहीं है तो वही तो बनानी है जो नहीं है वो क्यों निकाल रही हो ये इसकी भी मूछ और दाढ़ी बनानी थी नहीं मम्मी मेरा आपने जो हाल किया है ना उतना काफी है नहीं बहुत अच्छा है बेटा अरे ये तो तुमने टाकू बना दिया पापा एकदम सही बना रही है पापा नहीं नहीं पापा ऐसे ही लगते थे मेरे को अभी तक याद है ऐसे ही वो मूछे रखते थे पापा मतलब इस टाइम देखो अरे एकदम मिल रहा है जो कॉलर है ना अरे ऊपर से आपका जोड़ीदार देखो क्या कह रहा है सही जा रहा है दोनों खिलाड़ियों को लग रहा है पापा कोई देख रही हूँ सच में मिल रहा है ना देखो आज मैंने सही खाली नहीं मिल रही है मूछ मतलब मूछे पहले लटका रखे थे पहले अभी पहले पापा की मैंने एक फोटो देखी है जिसमें मूछे ऐसे मूछ तो बहुत तगड़ी बनाए हो और पापा के जो कान है ना वो थोड़े से अरे कान भी कितना बढ़िया बनाई मैंने अरे मम्मी इतने बढ़िया बनाया मैंने लग रहा है दोनों कान पे चमगादड़ बैठ गया दोनों कान पे आके चमगादड़ बैठ गया देखो मेरा थोड़ा सा गलत हो गया नहीं नहीं बेटा तो ठीक ही बनाए हो इसका कान बहुत छोटा है ना पापा का जो वो है ना एकदम अरे बाप रे अरे मम्मी ये तो वो है क्या नाम है पतले हैं ना पतले है ना पापा नीचे पतले अरे चंद्रकांता में कौन आता था यकू लेकिन पैर टेढ़ा जा रहा है जैसे छतरी का बकुली छतरी का बकुली बेटा पैर कमर तो गई अरे पापा लंबे भी है ना मम्मी अरे तो कमर कहाँ चली गई भाई इंसान टिका कैसे बिना रीढ़ की हड्डी के कमर को थोड़ा
झगड़ा करना पड़े। ये लोग कर, ये कहाँ से कर देते हैं? हाँ लाइन दे दो थोड़ा। मम्मी चंद्रकांता यहाँ थोड़ा घुटना निकाल। मम्मी चंद्रकांता में क्रूर सिंह आता था ना। इतना लोगों का हम ड्रॉइंग बनाना देखते हैं लेकिन बनाने चलते हैं तो नहीं आता। ये घुटना हो गया। वो लोग कितना आसानी से बना देते हैं जो जानते हैं। घुटने में ये आगे को कितना घुटना निकाल जाता है। अरे लग रहा बॉल है नीचे हॉकी। छतरी का डंडी बता दी ना हॉकी लग रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है मुझे। बचाना नहीं है। नहीं 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 थोड़ा सा बढ़ाऊंगी मिटाऊंगी। अरे ये क्या बात है। पापा की प्लेयर नीचे को है यार। नहीं लग रहा है कोई इंसान खड़ा है। एक मार वाला इंसान खड़ा है। ऊपर वाला इंसान। ऊपर वाला इंसान खड़ा। पापा उम्र वाला बता दिया। बाकी लोग बिना उम्र के हैं। ये थोड़ा बच्चा वाला लग रहा है। बच्चा खड़ा है। पापा साइड मांगे तो ये ऊपर कैसे चलेगी? मांग साइड जा रही थी ना तो नहीं अभी आएगी देखो। अच्छा अच्छा वो डिटेलिंग हो रही है। वो तो लग रहा है कि किसी का है। बनाया। अरे वाह। बोलो मम्मी। बाल तो बहुत बढ़िया बना दिया एकदम पापा जैसे। ये क्या बनाया है यार तुमने? तुम्हें शर्म नहीं है एक बार भी? अरे बहुत अच्छा बनाई है। मेरे को भी अविनाश की नाक का थोड़ा सा ऊपर आंखों के बीच से लेना है। लेना है अभी? हाँ उसी की जगह बल्ब जैसे हो गई है जैसे ऊपर तक ले। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेघनाथ। प्यारे ससुर जी। लेकिन जो शब्द प्यारे हैं वो ड्राइंग से बिल्कुल मिल नहीं रहा है। देखो मम्मी मम्मी देखो पापा को तो मैंने एकदम बहुत करेक्ट बनाया। आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। आप क्या डिटेलिंग कर रही हो? करेक्शन अब नाक का। नाक थोड़ा लंबा कर दो ना। नाक थोड़ा सा वो बंदर जैसा हो गया था। लेकिन पापा को मैंने बहुत करेक्ट बनाया। आप लोग दोस्तों बताना जरा मैंने पापा को कितना करेक्ट बनाया। देखो चेहरा से तो करेक्ट है। मेरे कुछ भी ना कहे प्यारे लगा दो भैया। प्यारे लगा दो गलत भी बनाए तो पापा आप मेरे वाले को नंबर देना मतलब मम्मी को नंबर देना। मैं संभावना को नंबर दूंगा। ठीक है ठीक है। आउट ऑफ 10 तो जी मैं नंबर दूंगा संभावना को जिसने पापा का स्केच बनाया। नहीं नहीं तो मम्मी को दोगे ना? क्यों वो तो मेरा ही बनाया ना। अपने को मैं कैसे दे सकता हूँ पार्शियलिटी? सही बात है सही बात है। तो पापा वाले पे नंबर। पापा वाले पे मैं संभावना आज कुछ भी गड़बड़ किया ना तो देता हूँ 10 में से 7। ठीक किया आज दे सकते थे। नहीं नहीं पापा से काफी मिलते जुलते हैं। ठीक दिया है वैसे। चलो पापा आप नंबर दे दो मम्मी को। ईमानदारी उसका मुंह देख लेना पहले कितना अच्छा बनाया। अरे देखो मैंने कितना अच्छा बनाया। इसने सिर्फ 7 दिया। पापा का देखो प्यार देखो आपके प्रति 7.5 नंबर दिए। अब इनकी बात बारी है ना। बनाई भी अच्छा तब है ना। प्यार करती ना वो थोड़ी करती है। वो तो नहीं अगर इन लोग अच्छा तो हम अच्छा ही नंबर देंगे। मैं ऐसे नहीं करेंगे। फोटो खींच लेती हूँ। मैं इंस्टा पे लोगों से पूछूंगी कौन हाँ किसका प्यारा था ज्यादा। तो जी ये बन चुका है। ये नंबर पे मिल चुके हैं। अब आ रही है हमारी टीम। तुमने नंबर कम दिए मुझे। मैं 8 दे सकते। नहीं मैंने तो वो कम नहीं किया। पापा ने मम्मी को ज्यादा दे दिए। मम्मी को 4 मिलने चाहिए मम्मी को। आपका बेटा इतना छोटा कैसे हो गया? लेकिन बच्चा है ना वो। बच्चे बनाया है। बच्चा है जब हुआ। बाल अविनाश बनाया। बाल अविनाश बनाया। इसके बाल ही नहीं है। बनाओगे मम्मी को या संभावना को? आप संभावना का बनाओ। आप बदला लोगे ना अपने इसको? और मैं अपना बदला लूंगा। बहुत अमेजिंग था। मैं बहुत हंसा हूँ। बहुत टाइम के बाद इतनी हंसी आई है सीरियसली। और जो स्केच बनाए गए हो माय गॉड। मम्मी बहुत इनोसेंट हैं। जितनी भी लाइक क्या ही मैं कहूँ। इतनी इनोसेंट बातें करती हैं। इतने इनोसेंट उनके एक्शंस होते हैं। लाइक बहुत ज़्यादा ही प्यार आता है उन पर। एंड जिस तरह स्केच बनाया गया मम्मी काफ़ी एक्सपर्ट हैं देखा है। तो फिर भी मम्मी ने बहुत अच्छा बना लिया। बिकॉज वो ये सब करते तो नहीं रहे बट एक चैलेंज के हिसाब से बहुत अच्छे स्केचिंग की है। अच्छा लगा देखकर। एंड जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे थे एक दूसरे को वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखकर। बिकॉज वो बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो चाहे अच्छा है या नहीं है बट वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है बहुत अच्छा लग रहा है सारा कुछ। तो यही तो होती है यू नो पार्टनर्स का इंकरेज करना दूसरे को। तो ये बड़ा मज़े की चीज़ होती है। और बच्चे तो हमेशा बड़ों के लिए बच्चे ही होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी शादी थी तो मेरी अम्मी गई एक शॉप पर टेलर के पास और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो उसे जाकर कहती हैं कि टेलर को कि बच्चे की शेरवानी सिलवानी है तो कितने पैसे लेंगे आप?
तो उस टेलर ने कहा कितने साल का बच्चा है? तो अम्मी कहती उसकी शादी है। तो अम्मी कहती मेरे लिए तो वो बच्चा ही है, तो अभी से नजर लगा लो। कहते तो आप ये कहें ना कि दूल्हे की शेरवानी सिलवानी है, बच्चे की आप क्यों कह रही है? अम्मी कहती मेरे लिए तो वो बच्चा ही है। ऐसा ही है गाइज, बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनका ये देख कर चैलेंज, पार्ट टू भी बहुत जल्द देखूंगा। तो आप अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करना है, बिकॉज हमें बहुत जल्द 50K क्रॉस करने हैं सब्सक्राइबर्स। यस 50K, ओ माई गॉड, अभी तो 50 भी नहीं है। कोई बात नहीं, उम्मीद हमेशा अच्छी की रखनी चाहिए। समय जैसे ही देखते रहा करें, प्यार देते रहा करें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।